बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाई कैसे हैं? अल्लाह के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला सबको खुशियां दे। और यह हमारा जो रमज़ान है, सुबह पहला रोज़ है, तो अल्लाह ताला हम सबके लिए बेशुमार खुशियों वाला हो, बेशुमार रहमतों वाला हो। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमज़ान में अच्छी अच्छी इबादत कर सकें, अच्छे अच्छे काम कर सकें। वैसे तो सारी ज़िंदगी में हमें अच्छे काम करने चाहिए, बात करनी चाहिए, अच्छे सलूक लोगों से रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बहुत से नए काम हैं जो हमें वैसे आम रूटीन में भी करने चाहिए, लेकिन अगर रमज़ान के महीने में अगर आप एक नेकी करते हैं तो उसका आपको 10 गुना ज़्यादा अजर मिलता है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए, नेक काम कीजिए इस महीने में। ये सबसे अफजल और बाबरकत महीना है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें लैलतुल कदर की भी रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के नसीब में ही रात करे, और हम सबको अल्लाह ताला खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी तंदरुस्ती सेहत दे, और ईद की खुशियाँ नसीब हों। और जो परदेसी भाई हैं, बहनें हैं, सब अल्लाह ताला सबको उनको खुशियाँ दे। उनको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उनका आज पहला रोज़ा हो चुका हुआ है, और हमारा माशाल्लाह से सुबह रोज़ा है पहला। तो अभी बारिश हो रही है, तो देखें ये बाहर का मौसम आप चेक करें कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। अभी यहाँ ये देखें, बादल, ये मैं स्विच लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ आपको, ये बाहर का व्यू है अभी देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है, बारिश हो रही है। अभी जो हमने यहाँ पे डेकोरेट करनी थी ना सारी, वो बारिश की वजह से सुबह से बारिश रिमझिम बारिश बरस रही है। और हम लोगों ने ये जितनी भी लैंप्स तैयार किए हैं, फ्लावर्स तैयार किए हुए हैं, और फनूस तैयार किए हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लाइटिंग करने थे बहुत खूबसूरत तरीके से। बारिश की वजह से वही काम रुका हुआ है, तो अभी अंदर का तो काम हो गया है, चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे लगाई हुई है सूरत बकरा, और वो सो रही है मैडम, दुआ मैडम। यहाँ की तो हमारी हो गई है सेटिंग माशाल्लाह, बस लाइट्स ऑन करनी है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दुआ सो रही है उधर, और कुछ थोड़ी सी हम लोगों ने सेटिंग की है, अपने घर की सेटिंग चेंज की है। और ये देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम लोग यहाँ से ये उठा के बर्तनों वाली अलमारी यहाँ पे रख लें, तो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि जी हाँ आप रख लें। और ये देखें, वो हमने यहाँ से उठाई है, तो ये हमने ये डेकोरेट यहाँ पे किया, वरना पहले आपको पता है मेरे व्लॉग में आप देखेंगे ना, तो ये अलमारी यहाँ पड़ी हुई है, सूरत बकरा लगी हुई है, हम लोग सूरत बकरा सुन रहे हैं। तो चले चलते हैं, मैं अपने रूम में, इधर सो रहे हैं वलीद साहब। तो ये मेरा रूम बिल्कुल सेट वेट हो गया हुआ है। रमज़ान में यही कोशिश होती है कि हम लोग अच्छा अच्छा साफ़ सुथरा घर रहे, पर्दे साफ़ हों, बेडशीट कवर, ओवरऑल घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो तुम थक जाओगे, स्कूटी का छोड़ दो स्कूटी को। तो यहाँ सो रहे हैं वलीद भाई, मेरी अदन सो रही है, बुरहान सो रहा है, तो साफ़ सफाई सारी हो गई है। तो अभी बस अम्मी लगी हुई है खाने बनाने के लिए, चले देर आ रही हैं, क्योंकि सुबह रोज़ा है, तो हम लोगों को ना आलू चिकन का जो शोरबा होता है ना, वो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा, लोग ज़्यादा शौक से आलू चिकन, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अम्मी का आलू चिकन तैयार हो गया है। हम लोग ज़्यादा हमारे रमज़ान में ज़्यादातर आप देखेंगे ना, जितनी मैं अफ्तारियाँ और सहरियाँ आपसे शेयर करूँगी ना, उसमें आलू कीमा होगा भुना हुआ, आलू मटर चिकन गोश्त होगा, भुना हुआ चिकन होगा, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, गोभी चिकन गोभी होगी। अभी ये मामा ने यहाँ पे कोफ्ते रखे हुए, आग बिल्कुल भी नहीं हमारे यहाँ पे आ रही। चावल, तो मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मतलब कि उठा नहीं जा रहा, मैं सुबह का व्लॉग भी नहीं शेयर कर। कहाँ जा रहा है, कुछ लेने जा रहा अब्दुलरहमान? तो बच्चे सोए हुए हैं, आज तुमने बहुत अच्छा, सूरत बकरा लगी हुई है, तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने भी लोग भी शेयर करना था आप लोगों से। तो इधर सिस्टर मामा का रूम दिखाती हूँ मैं आपको, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मामा का रूम सेट हो रहा है, क्योंकि मामा कहती होती हैं कि बेडशीट साफ हो, तकिया कवर साफ हो। और ये ले गया है ये कल सिस्टर जाके ना, मासूमा सिस्टर जिसका मासूमा किचन है, और वो ये लैम्प ले गए, बहुत प्यारी, ये सारी लाइट्स वगैरह ऑन होंगी ना, ये भी मैं आपको ना सब दिखाऊंगी, ठीक है? हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, ऑन करके दिखाते हैं, ध्यान से करना लग रही। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें ये फ्लावर है, ये देखें हम लोगों को, मतलब कि रमज़ान की हम बहुत बहुत एहतमाम करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप मुझे करना पड़ जाए बेटा, आप छोड़ दो। माशाल्लाह सिस्टर ने बताया चांद नजर आ गया है,
तो चले हम आपको दिखाते हैं रमजान का चांद, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहाँ पे है? कहाँ पे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये व्यूअर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सब व्यूअर्स को हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आप सबके नसीब में रमजान का चांद खुशियाँ नसीब करे, रमजान की रहमतें बरकतों वाला हो। तो देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। मामा जान आपको भी बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। अल्लाह मामा अल्लाह ताला के साथ जो हमारे साथ रमजान में, अल्लाह जिंदगी दानिश हो, रमजान मुबारक है। तुम्हें भी सुनी, तुम्हें भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत प्यारा चांद नजर आ रहा है, इसकी अलग अलहदा ही खुशी होती है रमजान के चांद की ना। खैर और क्लोज करूँ, ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर आप देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए। आप सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से और मेरी अम्मी की सब की तरफ से रमजान मुबारक को, और ये हम सब के लिए रहमतों वाला हो, बाबरकतों वाला हो, और अल्लाह इसमें सबको खुशियाँ नसीब करे रमजान की। अल्लाह अल्लाह हम सबको यानी के अल्लाह खुश रखे। और गाइस तो मैं अपने साथ प्रैंक नहीं आ रहा हूँ, जिसको आपको पता है उसकी चॉकलेट थी, और मैं जो वो करूँगा उसके साथ प्रैंक, उसकी जो चॉकलेट है वो मैं ले लूँगा और कहीं भी फ्रिज के पीछे छिपा दूंगा। अभी तुम्हारी मेरी एक चॉकलेट वो लीज के घर है, तो मैं क्यों नहीं मैं रखूँगा, मैंने ले ली बस, मेरे तो यही सा था। अब हम ना फिर करते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर चलते हैं। मैं यूँ आपको प्लीज आगे चार रमजान का देखो जाओ, वो देखो इधर आ। गाइस आपको दूसरी बारी दिखा दूं, ये है इसका चांद। मुबारक सब बहन भाइयों को, सब सिस्टर्स को, सबको मेरी तरफ से रमजान का ये खूबसूरत चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी सब बहन भाइयों, आपको पहली इफ्तारी पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम लोगों दरअसल पता है क्या हुआ, वो काम के चक्रों में हम लोग जागते ही रहे हैं, दही भी लेके हैं ढाई पे जाके सारा कुछ किया है, तो एकदम से पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई अम्मी की मेरी। तो वो फिर जल्दी से हम लोग उठे, जल्दी से हमने सहरी बनाई, जल्दी जल्दी हमने सारा कुछ करके तो सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ें वगैरह पढ़ के अम्मी अंदर कुरान पढ़ रही थी, अबलीद सब उठे हुए थे, तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ के सुबारा पढ़ के भी सब लेटे हैं। तो मैंने कहा चले मैं अब व्लॉग एंड करती हूँ। तो आज मैं आपसे सहरी शेयर नहीं कर सकी इसलिए कि मुझे लेट हो गई थी उठने में, थोड़ा पहला रोज़ा था और काम भी बहुत ज़्यादा था, आपको पता जैसे कितने ज़्यादा काम थे। तो देखें सुबह का मौसम माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो अल्लाह ताला इस सुबह, इस रमज़ान की पहली सुबह पहली सहरी में अल्लाह आप सबकी परेशानियाँ, अल्लाह ताला आपकी सबकी तकलीफ़ें, जो जो मुश्किल में है परेशान हैं, या वो गरीब बहन भाई जिनके घरों में अभी तक राशन नहीं, जो बैठे हुए हैं मुंतज़िर हैं कि कोई हमें आए अल्लाह का नेक बंदा या हमारी परेशानी दूर हो, तो अल्लाह उन सब की मदद फरमाए, अपने गैप के हज़ानों से अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाए। और अल्लाह ताला इस तमाम रमज़ान पूरे 30 दिन अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक देगा। और अभी अंदर चलते देखते क्या हो रहा है कुरान पाक। और वलीद साहब देख रहे हैं टीवी, पढ़ा नहीं पढ़ना था आपने, रोज़ा रख लिया है माशाल्लाह। अब्दुर रहमान यहाँ भी सो गया। अच्छा बुरहान उठा, बुरहान आपने रोज़ा नहीं रखा? बुरहान हमने रोज़ा रख लिया सबने, बुरहान रूम से उठ के आ गया। अब्दुर रहमान भी सोया हुआ है। तो आप क्या कर रही हो, उठो नमाज पढ़ी आपने, उठो नमाज पढ़ो, उठो उठो टाइम नहीं नहीं सूर्य निकलने से पहले पहले उठ जाओ, नहीं बच्चे उठो नमाज पढ़ो, क्या कर रही हो अभी तक, इनका ना काम रहता है, जो मैट गंदा हो जाएगा खराब हो जाना है, मैट गंदा कर रही हो। अच्छा तुम्हें पता है कल जल्दी तो आओ यहाँ पे, तो ना करते वैसे कोई कपड़ा बिछा देते है ना, सारी गिलू गन लगी हुई है। कितना यहाँ पे गंद बिखेरा हुआ है, ये अपने चीजें बनाने के चक्करों में ना पता नहीं क्या 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 लगे हुए हैं। तो चले जी, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। हैं परिंदाबाद, क्या कह रही हो? परिंदाबाद परिंदाबाद।
तो चलें जी, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं अफतारी में और एक नए व्लॉग के साथ। आज अफतारी में हमारे साथ क्या होगा, मामा तो कह रहे कुछ हल्का फुल्का हो, ज़्यादा हैवी ना करना, पहली सहरी है। तो चले देखेंगे शाम में अफतारी में हमारे साथ क्या क्या हो। अल्लाह हाफिज़।